पालम से मीना जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ हकीम जी नमस्कार। जय हिंद मेरे पालो हाँ वालो। जी, मेरे को ना सांस फूलता है, शुगर है और सांस फूलता है, जैसे उम्र थोड़ा कितनी है भी आपकी? बैठ 65। अच्छा, बैठे बैठे सांस फूलता है या चलने में? नहीं, ऐसे थोड़ी दूर चल देती हूँ आराम से, अगर रास्ते में चलते टाइम थोड़ा गोली जब फूलेगा, या जैसे पेट बीत जाए नीचे बैठ के जब फूलेगा, या अगर 1 किलो वजन भी उठाया तब फूलेगा। अच्छा देखिए पालम वालों, जिस शख्स का भी बैठे बैठे सांस नहीं फूलता, वजन उठाने से या पैदल चलने से सांस फूलता है, तो उसमें दो रोग होते हैं। एक तो ये कि हमारा दिल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, दिल पे स्वेलिंग वर्म आ जाता है, इसकी वजह से फूलता है, या हमारे दिल की रगों में चर्बी जम जाती है जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो सबसे पहले अपने पर पूरी तवज्जो दीजिए और एक दो नुस्खे बता रहा हूँ आपको, वो ले लीजिए। देखिए, एक तो बहुत मामूली सा नुस्खा है, आपके घर में खाने का सोडा है, एक चुटकी लें, पूरी चुटकी भर के पानी में डालें, और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतून पानी मिलाएं और जल्दी से पी लिया करें दिन में 2 बार। ये आसान नुस्खा है। नमक जैतून असली लेना है, नमक जैतून नकली बहुत मिलता है, खाने का सोडा तो आपके यहाँ पहचान भी है और होता ही है, तो ये 2 बार लें। अगर दिल बड़ा हो गया है और वो दिल एक खोल में है, एक सुराख में है, अगर वो बढ़ जाए तो वो सुराख से टकराता है पैदल चलने पे, तो सांस फूलता है। एक दिल की रगें ब्लॉक हो जाती हैं जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, अगर वो है तो अदरक का जूस 1 लीटर निकाल लें, अदरक का जूस 1 लीटर, और ये लहसुन का जूस 1 लीटर, नींबू का जूस 1 लीटर, अदरक लहसुन नींबू का 1-1 लीटर जूस निकाल लें, और असली सिरका जैतून का, देखिए बेशुमार लोग नकली बेच रहे हैं, असली जैतून का सिरका चाहिए, इसमें मिला दें, जो आपने अदरक लहसुन और नींबू का रस निकाला है इसमें 1 लीटर जैतून का सिरका मिला दें, और 3-3 चम्मच 3 बार खाने के पश्चात रोज़ाना लें और 6-7 महीने लें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है, और या दोनों नुस्खे लीजिए आप, ये तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अपना बहुत ख्याल रखिए, ये बीमारी कोई मामूली नहीं है, और इस उम्र में आप अपने पर तवज्जो देंगे तो आप सेहतमंद रह सकते हैं।